नमस्ते दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे. मैं तो ठीक हूँ, पर इतना भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही तबीयत में प्रॉब्लम है. खांसी हो रहा है तो अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ और बहुत दिन से वीडियो दिया भी नहीं हो. तो आज भी वीडियो में कुछ अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना. और दोस्तों, मैं पहले तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे चैनल में जुड़े रहे, मेरे चैनल को ऐसे ग्रो अप किया. आज मेरे चैनल को 20,000 प्लस व्यूज़ मिला है आप लोगों की वजह से. इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ. और दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी गलती हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके भी बोल सकते हैं. और इसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा. और अगर वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तभी तो बोल सकेंगे कि कुछ गलती हुआ क्या, क्या हुआ. मेरा आवाज़ भी ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही मतलब बोलने का प्रॉब्लम भी होता है. तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए आज बनाने की कोशिश कर रही हूँ. तो आज मैं बनाने वाली हूँ वीडियो, बोलने वाली हूँ महाशिवरात्रि के बारे में. आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि आने वाला है 4 मार्च को, मंडे को. तो दोस्तों, हमको तो पता है कि महाशिवरात्रि सब लोग मनाते हैं. हिंदू धर्म के लिए ये बहुत ही बड़ा पर्व है. तो दोस्तों, आज बताएंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं. हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही मान्यताएं हैं कि इसको क्यों मनाते हैं. तो आइए जानते हैं इसको क्यों मनाते हैं. तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए. और आप लोगों का ऐसे ही साथ रहा तो मैं और भी आगे जा पाऊँगी. इसके लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद. तो दोस्तों, आज जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है. तो जानते हैं, पुराणों और ग्रंथों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के बहुत ही कारण मान्यताएं हैं. पहले तो हम जान लेते हैं कि क्या मान्यताएं हैं. हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के जन्मदिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है. इस दिन माना जाता है कि भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और तभी से इस दिन शिवलिंग की पूजा की जाती है. और शिवलिंग और शिवालयों में भक्त शिव की पूजा अर्चन करते हैं. अन्य एक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने 20 समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकाला था और उस जिसको भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए खुद ही पी लिया था. तभी से भगवान का कंठ नीला पड़ गया. तभी से भगवान को देवों ने देवों के महादेव कहा मानने लगा. और माना जाता है कि समुद्र मंथन के इस दिन को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है. अन्य एक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की साथ विवाह हुआ था और इसी दिन भक्त भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और सुख शांति की आशीर्वाद करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं. तो दोस्तों, हमने जाना महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है. सभी के लिए अलग अलग मान्यताएं ज़रूर होते हैं, पर भगवान तो एक ही है. और इसके लिए हम लोग अपने दिल से इसीलिए मानते हैं कि हम अपना अंतरात्मा को भगवान के लिए हर टाइम पूजा करने से अपने अंतरात्मा खुश भी होता है और भगवान की एकाग्रता से मन को शांति मिलती है और पूरे परिवार को भी सुख शांति प्राप्त होते हैं. तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. दोस्तों, मेरा आवाज़ शायद आज बहुत ही ख़राब हो रहा है और मेरा वीडियो भी शायद अच्छे से ना बन पाए. फिर भी मैं कोशिश की हूँ और भी आगे जाने के लिए आप लोगों का साथ हो. और आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट करना मत भूलिए. तो धन्यवाद, इसी तक धन्यवाद.